पंजाब के जो इंतहाई हसास सरकारी तालीमी इदारों का डाटा मैं आपको पेश कर रहा हूँ, 4607 है इंतहाई हसास इदारों की कैटेगरी में आने वाले सरकारी स्कूल और कॉलेजेस। यहाँ की बाउंड्री वॉल्स पे कोई प्रोटेक्शन नहीं है किसी भी लिहाज से। 33.28% इंतहाई हसास इदारे जो हैं उनके अंदर सीसीटीवी कैमरे ही मौजूद नहीं है। इसके अलावा 249 आपके तालीमी इदारे जहाँ पे सरकारी की बात कर रहा हूँ अभी मैं, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड चौकीदारी तैनात नहीं है। 307 ये तो आपकी पोजीशन है सरकारी तालीमी इदारों की, तो किस हिसाब से आप जो है वो ये टेररिज्म के खिलाफ जंग लड़ेंगे? आप चौकीदार तो प्रोवाइड कर नहीं पा रहे सरकारी तालीमी इदारों को, बाकी बात तो सर बात की छोड़े। आप देखें कमान साहब, गुजारिश है कि मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, अल्हम्दुलिल्लाह जो इकदाम पंजाब में किए गए हैं तालीमी इदारों की हिफाजत के हवाले से पूरे पाकिस्तान में किसी भी सूबे ने इतने मौसर इकदाम नहीं किए। मुझे इतफाक होता है पंजाब के रूरल एरियाज में जाने का, दूर दराज के जो बुनियादी जरूरियात है वो लाहौर एलीट फोर्स की 41 गाड़ियां और हजारों एहलकार जो है वो प्रोटोकॉल सिक्योरिटी मामूर है आपके वजीर आला के, जिनमें 2500 एहलकार हमेशा वीआईपी उसके ऊपर होते हैं, वीआईपी रूट के ऊपर। पंजाब पुलिस के आला अफसरान प्राइम मिनिस्टर वजीर आला पंजाब और उनके अजीजों के लिए जो सिक्योरिटी, उसमें एक डीआईजी, 3 SPs, 11 DSPs, 132 इंस्पेक्टर्स, 104 सब इंस्पेक्टर्स, 126 ASI, 540 हेड कॉन्स्टेबल और 3500 के करीब कॉन्स्टेबल और क्लास C4 के 300 एहलकार शामिल है। और आपके 249 सरकारी जो स्कूल है उनमें चौकीदार तक नहीं है, इससे ज्यादा कुछ शर्मनाक बात सर हो सकती है? ये देखें, अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर जो लेकिन आपके अखबार में छपने वाली खबर कोई हदीस तर्दीद कर देते सर, हम नहीं कह रहे हदीस है, आप तर्दीद कर देते। मैं बिल्कुल तर्दीद करता हूँ, नहीं नहीं आईजी कर रहे हैं तर्दीद, पंजाब के आईजी कर रहे हैं तर्दीद। अभी आपको जब मैंने कहा कि पंजाब में इतनी पुलिस लगी हुई है एलीट के साथ, आपको पता ही नहीं है इसका, आपको पता भी चल गया तर्दीद भी कर दी, सफर करने का मौका मिलता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ सफर करने का मौका मिलता है, सीएम साहब से सफर करने का मौका मिलता है, सीएम यहाँ पे लाहौर में उनका काफिला देखता हूँ, 10 गाड़ियां उनके साथ होती है, 10 से ज्यादा गाड़ियां नहीं होती। ये खबरें सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा हिस्से हैं, इसके बीच में कोई हकीकत नहीं है। लतीफ खोस साहब के पास कोई हकीकत नहीं है कमरान साहब, ये सारे आपका पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है, तो आपके आईजी को तर्दीद करनी चाहिए इसकी, कितने एहलकार हमारे नहीं लगे हुए, अखबार झूठ बोल रहे हैं।